में दबंगों के कहर से परेशान पीड़ितों ने सीओ से मदद की गुहार लगाई है। आगरा में कुछ दिन पूर्व थाना एतमादौला क्षेत्र में समय करीब 8 बजे के बाहर घर पे बैठे थे, तभी कुछ लोग तेज गति से बुलेट मोटरसाइकिल लेकर बस्ती का योगेश उर्फ राजू चौहान व उसका साथी सोनू आ रहे थे। गली में घर के सामने छोटे बच्चे खेल रहे थे, जिसके कारण पीड़ित पक्ष ने उन लोगों से मोटरसाइकिल को धीमी चलाने की बात कही। इस बात को लेकर उन लोगों ने गाली गलौज करना शुरू कर दिया और थप्पड़ भी मारा और धमकी देकर चले गए और कहा कि लौट कर आता हूं। कुछ देर बाद आने के बाद उन लोगों ने फायरिंग भी की। फायरिंग की आवाज़ सुनकर आसपास के सभी लोग एकत्रित हो गए। लोगों को इकट्ठा देख पा लोग ईंट पत्थर फेंकने लगे। पीड़ित पक्ष ने उनके द्वारा जो फायरिंग की गई उसमें खाली खोखे पुलिस को बरामद करा दिए। पीड़ित पक्ष का कहना है, इसमें 4 लोग शामिल थे, हमने 4ों के खिलाफ तहरीर दी है, पर अभी तक पुलिस ने कोई सुनवाई नहीं की और दबंग लोग सड़कों पर घूम रहे हैं और उन्हें जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। सीओ छाता ने आश्वासन दिया है कि जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। सर ये बात है, हमारे लोग मतलब परेशान हो रहे हैं, हमें ये धमकी दे रहे हैं, धमकी से हमसे मतलब वो करवा रहे हैं राजीनामा। हम सब राजीनामा ना कर सकते, गरीब आदमी सब मारपीट करते हैं, उनसे भुड़की देते हैं हमारे पास तरफ, हमारे बच्चों को भी परेशान करते हैं ये लोग। कौन लोग हैं वो? वो ठाकुर हैं। क्या कब हुआ था मतलब ये विवाद? ये हुआ था कि कितने लोग थे करीब साहब? वो 20-22 लोग थे करीब। आप लोग मुकदमा दर्ज करा दिया आपने? हाँ सर, करा दिया हमने। तो कार्रवाई नहीं हुई अभी तक? कोई कार्रवाई नहीं हुई। सर से मुलाकात करिए, क्या मामला हुआ है? ऐसा है, मेरा नाम मीना दिवाकर है, क्रांति की में मैं हिंदू महासभा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मेरे समाज के लोगों से 2 तारीख को झगड़ा हुआ था, जिसमें मतलब काफ़ी मतलब मारपीट हुई थी, समाज के लोग पीटे गए थे, उनकी सर फोड़ दिए गए थे, ठाकुर समाज के लोग हैं वो लोग, उस पर फायरिंग भी हुई थी, उसमें 5 कारतूस बरामद करके थाने में जमा भी किए थे, मुकदमा कायम भी कर दिया है पुलिस ने, लेकिन उनकी अभी गिरफ्तारी नहीं है। इन लोगों को वो जान से मारने की बराबर धमकी दे रहे हैं, राजीनामा कराने का दबाव बना रहे हैं, अगर वो ये कह रहे हैं राजीनामा नहीं करेंगे तो साली दुबिया होंगे, इनको यहाँ रहने नहीं देंगे। ये बहुत डरे हुए हैं, जो घर के अंदर बैठे हुए हैं, घर से बाहर निकल नहीं पाते, उनका सामना कर नहीं पा रहे हैं। आज सीओ साहब से मुलाकात करके हमने उनसे अनुरोध किया है कि सर कैसे भी करके उनकी गिरफ्तारी करो, नहीं तो किसी को वो द्वारा घटना ऐसी दे देंगे मोड़ के, मतलब कोई ना कोई दुनिया से उठ जाएगा। और जान से मारने की उन्होंने पूरा प्रयास बना लिया, यानी पूरी तैयारी कर ली है कि हम जाएंगे तो जेल इन लोगों को मार के जाएंगे, और हम कल कप्तान साहब से भी मिलने वाले हैं, क्योंकि गिरफ्तारी हुई नहीं है, वो गलियों में डोलने हैं और जान से मारने की पूरी इन लोगों को कोशिश कर रहे हैं। करीब करीब 4 लोग तो ऐसे थे जो मतलब फायरिंग कर रहे थे, जो कहते 8 से 10 फायरिंग हुई थी, और बाकी 25-30 लोगों से थे उनके गैंग के आदमी थे, जो मतलब उस पर जैसी पुलिस आई थी तो भाग गए थे, लेकिन अब वो गैंग के लोग गलियों में डोल रहे हैं, इन्हें जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, घर में से निकलने नहीं दे रहे, रात और दिन रोड गुंडागर्दी हरी गलियों में। मेरा अनुरोध है प्रशासन से। क्या आश्वासन दिया सीओ साहब ने? एक ये, आप टेंशन मत लो, बहुत जल्दी गिरफ्तारी करा देंगे, इंस्पेक्टर साहब छुट्टी गए, छुट्टी से आ जाएंगे तो जल्दी से जल्दी इसमें कार्रवाई कराएंगे, और हमारा ये भरोसा भी है न्यायालय पर हमें कि जल्दी से जल्दी वो कार्रवाई करें।